अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। NCR या नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन या डॉक्यूमेंट कंट्रोल के अंदर किसे कहते हैं और ये कब और क्यों यूज़ होती है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। कोई भी एक्टिविटी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे होती है उसकी अप्रूवल क्लाइंट कंसल्टेंट या डिज़ाइनर कॉन्ट्रैक्टर को देता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्टर वो काम करता है। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर टाइलिंग का काम होना होता है, तो टाइलिंग के लिए जो टाइल वहाँ पे यूज़ होगी वो मटेरियल सबमिटर की शक्ल में अप्रूव होती है। कैसे वो यूज़ होगी टाइल, किस तरह से वो काम होगा, वो मैथ स्टेटमेंट बताती है। उसके अलावा किस पैटर्न के अंदर और किस जगह पे यूज़ होगा वो शॉप ड्राइंग बताती है। मटेरियल कैसा होगा स्पेसिफिकेशन की शक्ल में कॉन्ट्रैक्टर को बताया जाता है, और कितनी मालियत का या कितनी प्राइस का वो मटेरियल होगा वो BOQ की शक्ल में कॉन्ट्रैक्टर के साथ इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये सारी की सारी अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्टर के पास आती है, फिर वो काम शुरू करता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्टर लैक ऑफ नॉलेज या किसी और वजह से जो एक सेट पैटर्न होता है उससे डेविएट करता है। फॉर एग्जांपल वो टाइलें लगाता है तो वो टाइल गलत लगा देता है, या वो थिकनेस उसकी काम या ज़्यादा कर देता है, या एक पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल जो पैटर्न था वो टाइलों का वो एक राउंड शेप में था ड्राइंग के अंदर, लेकिन उसने उसको एक स्क्वायर शेप के अंदर कर दिया है। तो ऐसी सूरत में जो कंसल्टेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट इशू करता है कि आपने ये काम एक सेट पैटर्न से डेविएट करके किया है। अब नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट के कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट है वो कंसल्टेंट का होता है, जिसके अंदर वो प्रॉब्लम लिखता है कि ये प्रॉब्लम है कि आपने फ्लॉ एरिया के अंदर जो टाइलें थी उनका पैटर्न जो है वो राउंड से स्क्वायर शेप में कर दिया है, जो कि अप्रूव ड्राइंग के बिल्कुल मुताबिक नहीं है, लिहाजा आप इसके लिए करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लें। अब ये बना के कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर दी जाती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना होता है, 2 काम होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के। एक तो वो करेक्टिव एक्शन लेता है कि वो जो काम गलत हुआ होता है, मतलब ये कि साइड पे जो उसने टाइलें जो है वो स्क्वायर शेप में राउंड शेप की बजाय लगवा दी हैं, वो उसको करेक्टिव एक्शन करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको दोबारा से लगाएगा और अप्रूव डिज़ाइन की शक्ल में वो लगाएगा। तो ये तो हो गया कोरेक्टिव एक्शन। और दूसरा होता है जो कॉन्ट्रैक्टर का दूसरा पार्ट होता है वो है प्रिवेंटिव एक्शन, कि नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर इस तरह की एक्टिविटी दोबारा ना हो, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अपना जो सुपरवाइज़र होता है, जो साइट के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं फोरमैन वगैरह, उनको वो एजुकेशन देते हैं, उनको बताते हैं कि आइंदा से आपने ऐसा काम नहीं करना। तो ये बाकायदा लिखा जाता है, कुरेक्टिव एक्शन भी लिखता है कॉन्ट्रैक्टर के हमने वो सारा काम ठीक कर दिया है, और प्रिवेंटिव एक्शन भी लिखता है कि जी हमने ये भी मैयस ले लिया ताकि आइंदा फ्यूचर में इस तरह का काम ना हो, लिहाजा ये सारा का सारा हमने कर दिया है, तो आप ये NCR जो है इसको ख़त्म करें। वो दोबारा फिर कंसल्टेंट को सबमिट करता है, कंसल्टेंट उसको दोबारा से चेक करता है साइट पर जाके, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उस NCR को क्लोज कर देता है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो दोबारा से उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक तरीकाकार होता है। अब NCR 2 तरह की हो जाती हैं, एक तो ओपन NCR होती है, एक क्लोज NCR है। ओपन NCR क्या होती है कि कंसल्टेंट ने NCR कॉन्ट्रैक्टर को इशू कर दी है, लेकिन उसने अभी तक उसको उस काम को ठीक नहीं किया, करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिए, तो उसको कहते हैं ओपन NCR। और अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है उस काम को ठीक कर दे, करेक्टर और प्रिवेंटिव एक्शन भी ले ले और काम को बिल्कुल एक सेट पैटर्न के मुताबिक कर दे, और दोबारा से वो NCR कंसल्टेंट को या डिज़ाइनर को या क्लाइंट को सबमिट करे और डिज़ाइनर उसको एक्सेप्ट कर ले, कंसल्टेंट उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये काम वाकई ठीक हो गया है, तो फिर उस NCR को क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसी NCR को क्लोज्ड NCR कहते हैं। तो ये एक टर्म है NCR जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है, और डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के इंटरव्यू के अंदर भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।